भोजशाला ज्ञान और बुद्धि की देवी माता सरस्वती को समर्पित एक अनूठा और ऐतिहासिक मंदिर है। इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। राजा भोज परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे। वो शिक्षा एवं साहित्य के अनन्य उपासक भी थे, जिन्होंने 1000 से 1055 ईस्वी तक राज किया। इस दौरान उन्होंने 1034 ईस्वी में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला नाम से जाना गया। देवी सरस्वती का ये मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, जो उस समय राजा भोज की राजधानी थी। संगीत, संस्कृत, खगोल विज्ञान, योग, आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र सीखने के लिए यहाँ काफी छात्र आया करते थे। भोजशाला एक विशाल शैक्षिक प्रतिष्ठान था। इसी कॉलेज में देवी सरस्वती का एक मंदिर भी था। हिंदू धर्म में माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत भव्य था। सरस्वती मंदिर का उल्लेख शाही कवि मदन ने अपने नाटक कोरकपुरम मंजरी में किया है, और ये नाटक अर्जुन वर्मन देव के सम्मान में है, जिन्हें मदन ने पढ़ाया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल सर्किट की रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद के निर्माण में मूल सरस्वती मंदिर की संरचना के प्रमाण मिलते हैं। धार जिले की ऑफिशियल वेबसाइट में कहा गया है कि विवादित स्थल में ऐसी टाइल्स मिली है जिनमें संस्कृत और प्राकृतिक भाषा की साहित्यिक रचनाएं गढ़ी हुई हैं। इन शिलालेख में जो अक्षर दिखाई देते हैं वो 11वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के समय पर हैं। यहाँ पाई गई एक रचना में परमार राजाओं उदयादित्य और नरवर्मन की प्रशंसा की गई है, जो राजा भोज के तुरंत बाद उनके उत्तराधिकारी बने थे। दूसरी रचना में कहा गया है कि उदयादित्य ने स्तंभ पर शिलालेख को गढ़वाया था। 19वीं शताब्दी में एक बार फिर इस जगह पर खुदाई के दौरान एक बड़ी घटना हो गई थी। दरअसल उस समय खुदाई करते वक्त सरस्वती देवी की एक प्रतिमा मिली थी। उस प्रतिमा को अंग्रेज अपने साथ ले गए और फिलहाल वो लंदन के संग्रहालय में है। प्रतिमा को भारत वापस लाए जाने की मांग भी लगातार की जाती रही है।